देन आगे का पार्ट है आपका एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि थर्ड पॉइंट है, क्यों जरूरी है, तो कुक खाना बनाने के लिए, लाइट के लिए, हीट के लिए, व्हीकल्स को चलाने के लिए और मशीनरीज को चलाने, इन सभी के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज। ये एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास कहाँ से आते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, एंड इन सभी से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी, और इन्हीं इलेक्ट्रिसिटी से ये सब काम इजीली किए जा सकते हैं। तो इन सब काम को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी इनसे मिलती है, और इलेक्ट्रिक क्या काम आती है, वो ये काम आती है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं कौन कौन से, एक तो कन्वेंशनल और एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। क्या क्या हैं, बारी बारी से देखते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी इनको आप वापस नहीं बना सकते, तो बाय नेचर भगवान ने आपके लिए बना दिए, आप इन्हें खुद नहीं बना सकते। फायरवुड, लकड़ी है, जल गई, अब उसका क्या करेंगे, दोबारा बनने में तो बाय नेचर बहुत टाइम लगेगा। कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब जो है कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं और ये नॉन रिन्यूएबल हैं, और ये जो है हम लंबे समय से यूज करते हुए आ रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कन्वेंशनल, कि लंबे समय से इनका यूज आ रहा है। नॉन कन्वेंशनल जो अभी नए डेवलप हुए हैं कुछ सालों से, जैसे सोलर है, विंड है, टाइडल, टाइडल होते हैं जो आपके हाई टाइड एंड लो टाइड्स आते हैं उसके लिए, जियोथर्मल है, बायोगैस है, एटॉमिक एनर्जी है, ये सब रिन्यूएबल हैं, सही है। तो यहाँ अपन को इनके नाम याद रखने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो अब बारी बारी से हम एक एक का जो एक्सप्लेनेशन है वो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम कन्वेंशनल ले रहे हैं, और कन्वेंशनल में हम सबसे पहले ले रहे हैं कोल। कोल जो फॉसिल फ्यूल का बना हुआ है, यानी जो चीज़ें हैं वो जमीन के नीचे जो लकड़ियाँ दब गई उन्हीं से प्रेशराइज होकर वो जो है वो कोयला बन गया, और ये बेसिकली पावर जनरेशन में काम आता है। इसके कई सारे टाइप हैं और हम देखेंगे, सबसे पहला टाइप आता है पीट कोयला। एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन जो है कम होता है, कार्बन जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा कोयला होगा, लेकिन इसमें लो कार्बन है इसलिए सबसे वर्स्ट जो कोयला है वो यही है। हाई मॉइस्चर होता है इसमें, यानी मॉइस्चर होने का कारण क्या, धुआं ज़्यादा होता है, एंड लो हीटिंग, और इसे हीटिंग कम है, तो लो कार्बन की वजह से लो हीटिंग है और हाई मॉइस्चर होने का कारण धुआं ज़्यादा होता है। ये पीट कोयला, ये सबसे वर्स्ट कोयला है। लिग्नाइट, ये भी लो ग्रेड है, थोड़ा ब्राउन टाइप का होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है और मॉइस्चर इसमें भी ज़्यादा होता है, इस कारण से हीटिंग कम और धुआं ज़्यादा देता है। देन आपका आता है बिटुमिनस, ये बड़ी डीप बहुत गहराई में मिलता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर है और कमर्शियल पर्पस में बेसिकली बिटुमिनस ही काम आता है। और एंथ्रेसाइट, ये सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में पाया जाता है, हाईएस्ट क्वालिटी होता है और ये बहुत हार्ड कोल होता है और बहुत देर तक हीट देता है, मॉइस्चर इसमें बहुत कम होता है। तो अलग अलग टाइप के आपने कोयले देखे, आपने देखा कि पीट कोयला है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है। अब इंडिया में इनकी क्या पोजिशन है वो देखते हैं। इंडिया में गोंडवाना एंड टर्शियरी जो टेरिटरी है, जो वहाँ रॉक स्टेज में पाया जाता है, एरिया क्या क्या है जहाँ पाया जाता है, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल और झारखंड में वहाँ मिलता है, झरिया, रानीगंज, बोकारो, बिहार साइड है ये आपकी, बिहार और झारखंड साइड, गोदावरी, महानदी, सन एंड वर्धा वैली, ये साउथ एरिया है, वहाँ भी आपका कोयला मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली हमारे लिए फ्यूल, ल्यूब्रिकेंट्स एंड रॉ मटेरियल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आता है। नोरल इंडस्ट्री जो हमारी बैकबोन, जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल में काम आता है, फर्टिलाइजर्स में काम आता है, केमिकल इंडस्ट्री, मतलब इतनी जगह पेट्रोलियम काम आता है। और इंडिया में जो प्रोडक्शन है उसमें 18% गुजरात में प्रोड्यूस होता है, 16% असम में, और 63% बॉम्बे हाई, ये तीन बेसिक जगह हैं जहाँ इंडिया में पेट्रोल का प्रोडक्शन जो है वो होता है। तो परसेंटेज एरिया पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, बॉम्बे हाई की पोजिशन पूछी जा सकती है कि कहाँ है जिससे कि पेट्रोल निकलता है। नेचुरल गैस की बात करें तो ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि इससे लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, मतलब इससे कार्बन डाइऑक्साइड कम बनती है, तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम पहुंचता है। कहाँ पाई जाती है अपनी नेचुरल गैस इंडिया में, तो इसके एरिया हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन साउथ इंडिया में है, मुंबई हाई जो बॉम्बे हाई कहलाता है, गल्फ ऑफ कैम्बे और देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन सभी जगह पर नेचुरल गैस के जो हमारे बहुत बड़े स्टोर हैं वो हैं जहाँ से कि हम इनको एक्सप्लॉइट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है अपना इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से जनरेट की जाती है, बाय रनिंग वाटर पानी को चलाकर और बाय बर्निंग कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सही है। तो बाय रनिंग वाटर जो है उसमें क्या होता है, फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, पानी को बहुत तेजी से चलाया जाता है, टर्बाइन के ऊपर से पानी से बह रहा है, या टर्बाइन होता है, ये टर्बाइन चलता है और इस टर्बाइन से क्या चलने से क्या बनती है, बिजली बनती है। तो ये फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है और ये हाइड्रो टर्बाइन्स कहलाते हैं, इसीलिए इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं क्योंकि पानी से लगातार हम उसको और आगे ले जाकर और टर्बाइन लगा सकते हैं, और टर्बाइन लगा सकते हैं आगे, तो रिन्यूएबल है। और बेसिकली इसका एग्जांपल है भाखरा नांगल और दामोदर वैली कॉरपोरेशन, यहाँ बेसिकली बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं ये और काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी इनसे जनरेट होती है। देन है बाय बर्निंग कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, बेसिकली इससे क्या होता है, हीट पैदा की जाती है, हीट से जो है पानी से आपकी भाप बनती है, स्टीम बनती है, उस स्टीम से फिर वही टर्बाइन चलाए जाते हैं और टर्बाइन से बिजली बनती है। तो बेसिकली हीट के जो प्रोसेस है उसको थर्मल पावर बोलते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि कोल एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा आप नहीं बना पाएंगे। सही है। तो अब इनका कैसे होता है वो देखते हैं।